आज के इस बुगान के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज मैं आपको उन क्वेश्चंस का आंसर दूंगा जो मुझे लास्ट वीक के एपिसोड में पूछे गए थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, साथ में बेल आइकन भी दबा देना ताकि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, आप में से कुछ लोग सोचते होंगे कि जो मैं क्वेश्चन पिक करता हूँ, जिन्होंने वो क्वेश्चन पूछे हैं उनका नाम क्यों नहीं लेता। देखो, मैं नाम इसलिए नहीं लेता कि बहुत सारे कॉमन क्वेश्चंस होते हैं जो कि काफ़ी लोगों ने पूछे होते हैं, इसलिए मैं बिना नाम के ही क्वेश्चन पिक कर लेता हूँ। हमारा पहला क्वेश्चन है कि नोकिया 7 प्लस ज़्यादा अच्छा है या एसुस ज़ेनफोन मैक्स प्रो। देखो, अगर आप इन दोनों को कंपेयर करोगे तो डेफिनेटली नोकिया 7 प्लस ज़्यादा अच्छा है ज़ेनफोन मैक्स प्रो के कंपेरिजन में। चाहे आप देख लो कैमरा, प्रोसेसर, डिज़ाइन या बिल्ड क्वालिटी, हर मामले में नोकिया 7 प्लस आगे है। तो अगर आपको इन दोनों में से ही कोई एक डिवाइस लेना है तो ऐसे में मैं आपको कहूँगा नोकिया 7 प्लस ज़्यादा अच्छी ऑप्शन है। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि नोकिया 7 प्लस में फेस अनलॉक और ड्यूल 4G वोल्टी का भी अपडेट आ चुका है। ऊपर कार्ड में आपको एक वीडियो का लिंक मिल जाएगा जिसमें आप डेमो देख पाएंगे कि किस तरह से ड्यूल 4G वोल्टी और फेस अनलॉक काम कर रहे हैं नोकिया 7 प्लस में। भाई, रेडमी 5 में फेस अनलॉक ऑप्शन है या नहीं? देखो, अभी तक तो नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में अगर अपडेट आता है तो मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। ऑनर 7X में ओरियो अपडेट कब तक आएगा? देखो, ऑनर ने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है रोल आउट करना, आपको जल्दी मिल जाएगा आपके डिवाइस पे, थोड़ा सा आप और वेट कर लीजिए। Mi A2, नोकिया 7 प्लस और एसुस ज़ेनफोन 5G। देखो, ये जो तीनों डिवाइस हैं ये अलग अलग प्राइस रेंज के डिवाइस हैं। एसुस ज़ेनफोन 5G का प्राइस होगा 35,000 से 40,000, नोकिया 7 प्लस आता है 26,000 में, Mi A2 का प्राइस होगा 16,000-17,000 के आसपास। अब वैसे आप इन तीनों को कंपेयर करते हो तो एसुस ज़ेनफोन 5G बेस्ट है इन तीनों के कंपेरिजन में। स्नैपड्रैगन 845 आपको उसमें मिलता है। नोकिया 7 प्लस, नोकिया 8 2017 या ऑनर व्यू 10। देखो, यहाँ मैं आपको कहूँगा जो नोकिया 8 है 2017 वाला, उसको आप लिस्ट में से निकाल दीजिए, क्योंकि उसमें आपको 8:9 वाला डिस्प्ले नहीं मिलता, आप कुछ टाइम बाद उस डिवाइस से बोर हो जाओगे। हालांकि फ़ोन काफ़ी अच्छा है, बिल्ड क्वालिटी भी बहुत अच्छी है उसकी, लेकिन जो आज का ट्रेंड है उसको देखते हुए वो ठीक नहीं है। बाकी नोकिया 7 प्लस और ऑनर व्यू 10 में से आप कोई डिवाइस लेते हो तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा ऑनर व्यू 10, क्योंकि प्राइस में यहाँ ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन जो प्रोसेसर है ऑनर व्यू 10 का वो काफ़ी हाई एंड है नोकिया 7 प्लस की कंपैरिजन में। बाकी नोकिया 7 प्लस भी अपनी जगह पे काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन है। पिक्सल 2 XL या हुआवे P20 Pro, किसका कैमरा ज़्यादा अच्छा है? देखो, मेरे अकॉर्डिंग हुआवे P20 Pro का कैमरा ज़्यादा अच्छा है पिक्सल 2 XL के कंपैरिजन में। भाई, रेडमी नोट 5 या ऑनर 9 लाइट, इनमें से कौन सा लेना चाहिए? मेरे लिए प्रोसेसर और बिल्ड क्वालिटी इंपॉर्टेंट है। देखो, परफॉर्मेंस तो आपको लगभग दोनों में सेम ही मिलेगी, लेकिन जो बिल्ड क्वालिटी है वो रेडमी नोट 5 की थोड़ी बेटर है ऑनर 9 लाइट के कंपैरिजन में, क्योंकि रेडमी नोट 5 आता है मेटल बिल्ड के साथ, तो वो ज़्यादा ड्यूरेबल है अगर आप उसे कंपेयर करते हो ऑनर 9 लाइट से। ऑनर 9 लाइट में आपको मिलती है ग्लास बैग, जिसकी आपको एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ेगी। सर, मुझे कैमरा फ़ोन चाहिए, मैं Mi A2 का वेट कर रहा हूँ, पर मुझे स्टॉक एंड्रॉयड नहीं लेना, तो क्या Xiaomi इंडिया में Mi A2 के दो वेरियंट ला सकता है, एक वेरियंट स्टॉक एंड्रॉयड पर, दूसरा MIUI पे? देखो, ऐसा होना बहुत ही मुश्किल है, मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। इंडिया में Mi A2 का एक ही वेरिएंट आएगा जो कि चलेगा स्टॉक एंड्रॉयड पे। 7000 में बेस्ट फुल व्यू डिस्प्ले वाला फ़ोन कौन सा है? आप इनफोकस विजन 3 ले सकते हो अगर आपका हैवी यूज़ नहीं है तो। अगर आपका हैवी यूज़ है तो ऐसे में मैं आपको वो रिकमेंड नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें आपको मिलता है MediaTek का MP6737। नॉर्मल यूज़ के लिए तो वो ठीक है, लेकिन हैवी यूज़ के लिए वो ठीक नहीं है। बाकी उस फ़ोन का डिस्प्ले भी अच्छा है, बैटरी भी काफ़ी अच्छी है, और जो कैमरा है उसका वो भी आपको ड्यूल कैमरा मिलता है जो कि 7000 के हिसाब से काफ़ी अच्छा परफॉर्म भी करता है। ऑनर 7X से एसुस ज़ेनफोन मैक्स प्रो में अपग्रेड कर लूँ या नहीं? देखो, आपको ये देखना होगा कि आपको अपग्रेड क्यों करना है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट है हाई एंड प्रोसेसर, 5000 mAh की बैटरी और ड्यूल 4G वोल्टी का सपोर्ट, तो ऐसे में आप अपग्रेड कर सकते हो। अदरवाइज ऑनर 7X भी काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन है, बिल्ड क्वालिटी भी उसकी काफ़ी अच्छी है, बल्कि बिल्ड क्वालिटी उसकी ज़्यादा अच्छी है एसुस ज़ेनफोन मैक्स प्रो के कंपैरिजन में। ऑनर 7C इंडिया में कब तक आएगा? देखो, अभी इसको लेकर कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं आई है, लेकिन जहाँ तक मेरा आइडिया है आपको अभी एक महीना और वेट करना पड़ेगा। 5 इंच का कोई फ़ोन बताइए गुड प्रोसेसर के साथ 15,000 की रेंज में। देखो, मेरे अकॉर्डिंग आपके लिए ऑनर 9 लाइट काफ़ी अच्छा ऑप्शन रहेगा, बहुत ही कॉम्पैक्ट स्मार्टफोन है वो, 11,000 में वो आपको मिल जाएगा। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो वो आप मुझसे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियोस लाने वाला हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।